अपने आप आ जाएगा सब। ओ मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए सब आ रहा है दादा। लियोनेटेड पैराकिट। ओह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कवरिंग दे रहा है भी, हमको जो लग रहा है और थोड़ा वक्त लगेगा। हॉलैंड बजी। अच्छा का जो हंडी देखा। हाँ उसमें बच्चा है, बच्चा है। मतलब कितने साल का होगा अभी? खूबसूरत कलर। हाँ कोकोनट लॉरी। चार बच्चा है। ग्रेट। वासुदेव आचार्य सर, मैं इंडिया चैंपियन 17 बार हुआ, 17 टाइम्स इंडिया चैंपियन। ग्रेट, वेरी गुड क्वालिटी, नाइस क्वालिटी। इसका नाम कड़कनाथ मुर्गी और ये है बुखारू। हाँ नहीं पता है। हाँ मतलब और भी, और सबका हेल्थ बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। वो अच्छा, एक क्लास हो गया। ओ तो आपका गर्मी का मौसम था इसलिए खोल दिया था सारे नेटवर्क। अभी फिर से ब्रीडिंग सीजन तो आ रहा है, फिर से लगा देंगे आप। यहाँ पानी ना गिरे इसलिए व्हाइट एंड ग्रे। और यहाँ बहुत सारा कैट बिल्ला, दोनों साइड में केज बनेगा अलग अलग करके। उसके बाद यहाँ पर मीटिंग का उन्हें किसी के अंदर में खत्म है। कैनारी, मैं जो देख रहा हूँ और यहाँ से जो हम लोगों को मिल रहा है तभी से अभी तक करीब करीब 6 घंटा नॉन स्टॉप। अगर आपको केज में कैनारी का ब्रीडिंग कराना है तो 2 फीमेल के साथ 1 मेल। वाओ, ऊपर से तो क्या कहूँ, लग रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ। सच में जितना भी देखूँ मन को तसल्ली नहीं मिलेगा। वहाँ देखिए वो माँ बैठी है और नीचे सब छोटा छोटा चिक्स। ये यहाँ का हिरन नहीं है, इधर देखिए इस किस्म का है। वाओ ये क्या देख रहा हूँ मैं, इसका बगल में देखो थोड़ा लेफ्ट साइड नहीं, सबसे बड़ी चीज है इतना करीब से। अच्छा उज्जला आप थोड़ा ऊपर आ जाइए, अगर ये चीज आप नहीं देखेंगे तो आपका लाइफ का एक बहुत बड़ा चीज मिस हो जाएगा दादा। आज के बाद मौत भी आ जाए ना मतलब कोई अफसोस नहीं है ना कोई अफसोस। इतना करीब से देखने का मौका मिला, बहुत ज्यादा खुश हूँ। हिरन का अंडा नेचर में। वाओ नीचे भी अंडा है, ये तो और भी साफ दिखाई देगा हम लोगों को। यहाँ तो एकदम छोटा बच्चा भी हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ देखिए हिरन का बच्चा हुआ है, छोटा छोटा अंडा लेके बैठा है, उसका नीचे बैट लटका हुआ है, बहुत सारा बैट। ओनली बैट। शाम होने के टाइम में ये लोग सब सब निकल जाएगा ना, और अभी शाम हो रहा है, सारे बैट्स अभी निकल जाएंगे शिकार में खाना ढूंढने के लिए। देखिए एक बैट लटका हुआ है और वहाँ ऊपर 2 फीट का दूरी में पानकोड़ी बहुत ही सेफली अच्छे से उनका चीक्स को पाल रहा है, डाल रहे हैं। हाँ हाँ फिशिंग का मजा भी हम लोगों को मिल गया। यहाँ सब चल। हाँ फिर उसके बाद यहाँ रुकना है, मतलब हम लोग जब हाथ वगैरह धो लीजिए सब। देखिए शीशा वीशा भी किया है, साइट में कुछ है नहीं। दादा कितना बताया? 1 लाख लीटर। 1 लाख लीटर पूरा, 1 लाख लीटर हो गया, दिखा दिया, वादा पूरा किया। अभी नीचे जाएंगे, बड़ा बड़ा एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा नीचे का एग्जॉस्ट वो भी हो सकता है। ग्रोइंग कम लेइंग, ग्रोइंग कम लेइंग, ग्रोइंग वाला नहीं दिया सुबह ने, नहीं दिया थोड़ा लेट हो गया ये अगर। अच्छा इमेच्योर्ड सेल। और यहाँ दादा ने कुछ पिग्स भी रखे हैं ताकि वहाँ से जितना सारा वेस्टेज वगैरह जो कुछ होता है। हाँ बहुत बढ़िया। और सीढ़ी उठाने का चक्कर में सारे पिजियंस एक बार फ्लाई कर लिया, छोटा सा एक राउंड मार लिया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीपंकर, पीछे है उज्जल दा और यह है देवाशीष, और हम तीनों करते हैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और एक्चुअली हम लोग अभी है आउटिंग में, जा रहे हैं घर से करीब करीब 400 किलोमीटर दूर, और ये है NH6 नेशनल हाईवे NH6, और हम लोग जा रहे हैं एक बहुत बड़ा बार्ड फार्म देखने के लिए, विजिट करने के लिए। बहुत बड़ा मतलब मैंने सुना है 3 एकड़ जगह का ऊपर उसका बार्ड फार्म बना हुआ है, लेकिन उसका अंदर 1 एकड़ में वो एक तालाब है, एक पॉन्ड है, और बाकी का 2 एकड़ का ऊपर बार्ड फार्म है। मतलब पूरा बार्ड फार्म नहीं बना, थोड़ा सा बना और आगे बनेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है,
बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स से उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो उज्ज्वल क्या करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जाते हैं वहाँ और सब मिलके एक साथ देखते हैं अमेजिंग बहुत बड़ा बर्ड फार्म। देखिए जैसे हम लोग बर्ड लवर है, हम लोगों को कहेंगे कि किसी मेले में चलो, कहीं और जगह चलो, तो हम लोगों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। लेकिन नेचर या जहाँ बर्ड देखने को मिलेगा, एनिमल्स पेट्स देखने को मिलेगा, वहाँ जाने के लिए कोई बोलेगा तो मतलब आँख बंद करके बेझिझक होके हम सभी जा सकते हैं। मेरा जितना सारा व्यूअर्स है सभी तो पेट लवर्स है, तो हम लोगों का सोच भी कुछ मिलता जुलता ही होगा। तो चलिए आप लोग भी हम लोगों के साथ थोड़ा आउटिंग कर लीजिए, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। करीब करीब पहुँच चुके हैं हम लोग और बिल्कुल नया जगह है, रिसीव करने के लिए कोई आने वाला था, ढूंढना है और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। और मिल गया दादा, मिल गया है दादा, और कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा पहुंच जाएंगे फार्म पे। और तो फाइनली पहुंच गए। और अभी अभी आया और गाड़ी से उतरने के बाद पहले जहाँ कार रखे हैं वहाँ उसके बगल में ही एक बहुत खूबसूरत सा क्यूज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ बजीज है और यहाँ बहुत ही क्यूट सारे फिंचेस। ছাতু দেওয়া হয়েছিল, খাওয়া হয়ে গেছে, ভাত দেওয়া হয়েছিল, খাওয়া হয়ে গেছে। আচ্ছা তাহলে আপনি কি দেখাশোনা করেন? না আমরা আছি ছাতু তিনজন। আচ্ছা আপনি আর দাদা? ওই দাদা পেছনে পেছনে দাদা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। और जो फार्म के बारे में बताया था यही 3 acres जगह में है, और यहाँ मिडिल में ये पॉन्ड है, तालाब है, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये बनाया गया है, चारों तरफ सीमेंटिंग कर दिया है ताकि साफ सुथरा रहे। तो ऊपर बारिश भी शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा करके, और सामने इस साइड दादा का बर्ड फार्म है। जबरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त एक ब्रेकफास्ट अभी हम लोगों ने खत्म किया और अभी जा रहे हैं फार्म। अच्छा बहुत सारा पिजेंस है वहाँ, जो घर हम लोग दिख रहे हैं वहाँ बहुत सारा पिजेंस है, फिलहाल यहाँ एक ही रखे हैं और ये रेसिंग पिजेंस है। और सामने ये रहा बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत सा एग्जॉटिक बर्ड्स का ब्रीडिंग फार्म, और बहुत ही अच्छे प्लानिंग करके बनाया ताकि एग्जॉटिक बर्ड्स रहेंगे, कलरफुल बर्ड्स यहाँ रहेंगे, उसके साथ मतलब इतना ब्यूटी के साथ जो शेर दादा ने बनाया वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और यही है गेट, तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं यहाँ सारे नेस्ट बॉक्स तैयार करके रेडी करके रखे हैं, मतलब यहाँ कोई बर्ड्स वगैरह तो नहीं है लेकिन सारे नेस्ट बॉक्स है यहाँ। ये सारे जो नेस्ट बॉक्स है शायद लव बर्ड्स के लिए है, जावा जावा के लिए। अच्छा ये सब आपने खरीदा या मतलब सब कलकत्ता से आते हैं? अच्छा तो अमेजन से फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेस किया हुआ बॉक्स, यही बॉक्स को देख के सेम साइज का बॉक्स यहाँ आप लोग बनाएंगे। ये सारे कॉकटेल का है, कुछ स्टील का केज भी यहाँ रखे है दादा, ये सब ऑफिस को पाखी जरा हो जाए वो मार्केट करे तभी के घूरे रखते हो। ओ अच्छा, मतलब जब कोई बार बीमार हो जाता है, ज़्यादा लड़ाई वगैरह करते हैं तभी उन लोगों को पकड़ के सेपरेट रखने के लिए ये सब केज यूज होता है। ओ सारे केजेस यहाँ, यहाँ जो देखभाल करते हैं आप 3-4 लोग हैं, दादा भी है, आप है और एक दो दादा, हाँ सब मिल के देखभाल करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ग्रे पैरट का, वो जो ग्रे पैरट है हाँ वहाँ तो अफ्रीकन ग्रे मैच्योरेट है नहीं अपन, वो अभी तक है नहीं। अच्छा सब दिखाएंगे एक एक करके, सारे बार्ड्स को दिखाएंगे, पहले बजीज का। हाँ हमको अभी से लग रहा है कि ये वीडियो मतलब 10 मिनट के अंदर ख़त्म नहीं होने वाला है, तो इसका शायद आगे एक पार्ट बनेगा क्योंकि इतना बड़ा फार्म जब विजिट करेंगे। वो अच्छा यहाँ सारे दाना है, सीड्स है, आप एक बार खोल के दिखाएंगे प्लीज? ये छोला और मूंग है। अच्छा चना, मूंग काले चने और मूंग की दाल। अच्छा ये सब एक साथ मिक्स करके आप लोग पानी में भिगो के देते हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तो धान है, धान है पैडी। अच्छा
लब्बाड़ कॉकटेल कांगनी दाना, सनफ्लावर सीड, रेड मिलेट, धान पैडी है और ब्लैक सीड है। एक कॉकटेल और लब्बाड़ के लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ बोर्गी और जावा फिंग, बजी जावा फिंग। यहाँ मैं जो देख रहा हूँ, रेड सीड और ब्लैक सीड और बोर्गी दाना। बोर्गी दाना मतलब हम लोग कहते हैं कांगनी, कांगनी कहते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पिजेंट्स के लिए, यहाँ जो देख रहे हैं काले चने हैं, कुछ कुसुम दाना भी है, गेहूँ है, पैडी है। पैडी का क्वांटिटी सबसे ज्यादा यहाँ, बहुत अच्छे क्वालिटी का सनफ्लावर सीड है, व्हाइट स्ट्राइप वाला, बहुत अच्छा क्वालिटी है। यहाँ तो काट कोयला है, ये भी काट कोयला। मतलब ये आप लोग मतलब कैसे तैयार करते हैं, कहाँ से मिलता है? कलकत्ता से लेके आते हैं। किसी लकड़ी को हम जला के राख करेंगे तो भी होगा, काम चलेगा। ग्रिड है वो, ग्रिड हाँ हाँ। बर्ड कॉर्न सीड्स वगैरह खाता है, हजम करने के लिए, अच्छा हजम हो, इसलिए हम लोग ग्रिड कभी कभी देना पड़ता है। इसलिए पिजियंस हम लोग देखते हैं कभी कभी मिट्टी में बैठ के, जमीन पे बैठ के वो कांकर खाता रहता है। यहाँ हम लोग तो केज में बंद करके रखते हैं, इसलिए ये भी देते हैं। समुंदर का फेना, कैटल बोन का फीस है, ये तो कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। बढ़िया। और तो हो गया, यहाँ तो बहुत कुछ चीज़ हम लोगों ने देखा, तो अभी सारे बार्ड को भी एक बार देखेंगे सब मिलके। और तो अभी जाएंगे अफ्रीकन ग्रे पैरट का एक कॉलोनी में, अफ्रीकन ग्रे का कॉलोनी। एक्चुअली ये ब्रीडिंग सेटअप नहीं है, दादा आप आइए, तो ब्रीडिंग सेटअप नहीं है, माने एखाने ब्रीडिंग एर जोन्नो ना, एखाने एखन छेड़े रखा हुए, परे पेयर होले हाँ। ये लोग अभी बिल्कुल एडल्ट नहीं हुआ, रेडी टू ब्रीड नहीं हुआ, अभी भी एडल्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए ऐसे कॉलोनी में छोड़ के रखे हैं। यहाँ जब फुल एडल्ट हो जाएगा, रेडी टू ब्रीड हो जाएगा उज्ज्वलदा, तभी इन लोगों को सेपरेट कर करके अलग अलग केज में डाल देंगे। इतना दूर से तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर भी हमको जो लग रहा है और थोड़ा वक्त लगेगा शायद। एक सेकंड दादा, पहले परिचय करा देता हूँ। ये जो फार्म हम लोग देख रहे हैं, दादा का ही फार्म, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इतना अच्छा इतना बड़ा सेटअप देखने को मिल रहा है। जैसे छोटा सा लस्को पाला हुआ है, हाँ तो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद जब मैच्योर हो जाएगा दादा, एक आइडिया लेगा, आपको भी लेगा, एक साथ रनिंग करके ब्रीडिंग कराएगा या आप सेपरेट करके करेगा। अच्छा, तो दादा देखिए, कॉलोनी में बर्ड का हेल्थ, उन लोगों का लाइफ स्पैन बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ होगा, लेकिन ब्रीडिंग के लिए थोड़ा सेपरेट में जो आइडिया है, जो पाँच तीन वाला जाकर केज लगाएगा, तो पाँच तीन का केज में 32 में छः तो आएगा। इसमें क्या है, इससे मैं क्या करेगा, उसको प्यार प्यार करके सेट कर देगा, अलग अलग कर देगा। अच्छा, कैसे? लेकिन सर यहाँ मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, आप सेपरेट केज बनाइए, फिर भी एक्सपेरिमेंट के लिए 4-5 पेयर ना इस कॉलोनी के अंदर छोड़ के रखिए, और बॉक्स भी लगाइए, हो भी सकता है। ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, हमको जो लग रहा है इतना बड़ा सेटअप अगर मिलेगा तो यहाँ कॉलोनी में भी हो सकता है दादा। कॉलोनी में जरूर होगा। छोटा सा एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा, देखिए बर्ड तभी कैप्टिविटी में ब्रीड करता है जब उसका पूरा डर खत्म हो जाता है, ह्यूमन से पूरा डर खत्म हो जाता है, उसका डर खत्म हो जाने से तभी ब्रीड करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। और ये सारे बार्ड तो मतलब कैप्टिविटी का है, इन लोगों का डर भी नहीं है। देखिए ये एकदम बिल्कुल बगल में बैठा है, अगल बगल बैठा हुआ, कॉलोनी भी रखेगा, 2-4 सेट को जोड़ी के अलग भी करेगा। ज्यादा मत केज बनाइए, 2-3-4 केज बनाइए, बाकी का ऐसे ही रहने दीजिए। कॉलोनी में एक बार ट्राई करना चाहता है, हाँ ब्रीडिंग का टाइम नहीं है, हम लोग केज में बंद कर दिया, ठीक, तो ये भी तो उसके लिए तो खराब है ना, खराब है। तो भाई आपने से जब उसका मर्जी से आएगा तो आएगा, तभी होगा। उसके बाद अगर देखेगा कॉलोनी में नहीं हो रहा, खराब हो रहा है, मारपीट कर रहा है, उसका ही अलग करेगा, ये हमारा प्लान। हाँ ठीक, बिल्कुल सही। और सारे बर्ड्स दादा मैं जो देख रहा हूँ, आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। ये जो फीमेल मैं देख रहा हूँ, ये तो फीमेल है, ये मतलब बिल्कुल एडल्ट हो गया है, तो यहाँ ये भी फीमेल है, ये भी करीब करीब एडल्ट होने ही जा रहा है दादा। इसका मैच्योरिटी कितना साल में होता है दादा? एक्चुअली अफ्रीकन ग्रे अगर वाइल्ड में रहेगा तो करीब करीब 5 साल पकड़ लीजिए, और अगर कैप्टिविटी का होगा तो 4.5 साल में हो जाता है। वो एकदम ऊपर जो बैठा है उसका शायद वो फीमेल है, वो बिल्कुल एडल्ट है, एकदम ऊपर जो बैठा है। तो चलिए अभी जाएंगे दूसरा केज में, और सारे मकाउस का जो फेदर्स गिरते हैं दादा यहाँ तो सजा के रखे हैं। और तो सबसे पहले पूरा फार्म को एक बार क्लॉक वाइज करना ठीक रहेगा, जरूर हर टाइम, तो इसलिए हम इधर से घुमा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, दादा का मानना है कि क्लॉक वाइज होना चाहिए सब कुछ,
तो पहले यहाँ से पूरा फार्म ऐसे करके घूमेंगे है ना। और एक चीज़ बताइए, ये मतलब इसका हाइट कितना होगा? ये है 26 फीट सेंटर हाइट। सेंटर का हाइट है 26 फीट साइड में, एकदम साइड हाइट है। हाँ 10 फीट से आपका यहाँ आ गया 15 फीट। अच्छा मतलब, हाँ मतलब एकदम एंड में जो है, साइड में जो है 10 फीट का हाइट है, और वहाँ से 16 फीट उसके बाद हाँ ऊपर से फीट स्टेप बाई स्टेप आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फार्म शुरू होता है यहाँ से, उस पार से है, पीछे भी है। बहुत ही अच्छा प्लान करके ये बनाया गया है। साइज देखिए कोकाटी की तरह, ठीक है बाद में एक एक करके दिखाते हैं। हाँ दादा हम लोग घूम लिया है क्लॉक वाइज और अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। दादा आइए दादा, और यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं बहुत बढ़िया, ये पूरा बॉन्डेड पेयर है दादा, बहुत अच्छा है। हाँ लेफ्ट साइड मेल है, राइट साइड में मेल है, लेफ्ट साइड में फीमेल है, और हम लोग देख रहे हैं कि मेल फीमेल को कवरिंग दे रहा है। जब कवरिंग करता है एक बार दूसरे बार को, तभी हम लोग गेस करते हैं कि ये ब्रीडिंग मूड में है। बहुत बढ़िया, इनका नेस्ट बॉक्स दादा ऐसे करके लगाया। मेल कितना है? 4 फीट लेंथ और वाइड 20x20 और 4 फीट का। बढ़िया, मकाओ का बॉक्स ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में मकाओ बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ का अंदर नेशनल ज्योग्राफी में देखा था। हाँ डिप रहता है बहुत, 3-4 फुट नीचे, बहुत नीचे रहता है, तभी जाके वो लोग सेफ फील करते हैं और अच्छे से ब्रीड करते हैं। और एक बार दिखा दीजिए मकाओ उसको, बहुत बढ़िया सुंदर ब्यूटीफुल। और ये लोग तो बिल्कुल एडल्ट है दादा, देख के लग रहा है। ये तो 8-9 साल का तो हो गया। हाँ कितना आइडिया है, 8-9 साल का वो भी करीब करीब एडल्ट हो गया है। हाँ हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं मोलक्कन कोकाटू के केज में। ओ तो ये निकल के आ गया, ओ फिर से निकल के आ गया। हाँ पहला वाला जहाँ केज है वहाँ नंबर 1, उसके बाद मकाओ का केज नंबर 2 और यहाँ नंबर 3, और अभी जाएंगे 4। नेक्स्ट केज में जाएंगे पेटागोनियन कॉर्नियोर। ओ बहुत खूबसूरत दादा, पेटागोनियन कॉर्नियोर, ये तो मतलब बहुत ही रेयर ब्रीड है। इसका नेस्ट बॉक्स ऐसे ही बनाना पड़ता है, मतलब जाएगा अंदर, उसके बाद नीचे जाएगा। अभी टेम्स होता है इसका, अगर बाहर में भी छोड़ दीजिएगा ना, अच्छा वो घूम घूम के आ जाएगा। वो एक तो है हमारा ऐसे पलवा, लेकिन ये लोग का साथ थोड़ा होगा तो जाकर छोड़ देगा, मतलब बहुत बाहर घूमेगा, एकदम बहुत अच्छा टेम होता है, एकदम नेचुरल घूमेगा, आ जाएगा टेम होता है। छोटा सा टेम करेगा तो अच्छा टेम होगा, भागता नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, अपने आप आ जाएगा सामने। ग्रेट, यहाँ केज नंबर 5 ना, और यहाँ केज नंबर 5 में हम लोग अभी आ गए हैं, और यहाँ भी एक पेयर मोलक्कन कोकाटू। बहुत खूबसूरत कोकाटू का नेस्ट बॉक्स 2 होल वाला होता तो अच्छा होता शायद, ब्रीडिंग के टाइम ना वो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कोकाटू, ज़्यादा करके ग्रेटर सल्फर जो होता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, इसलिए कोकाटू का नेस्ट बॉक्स का 2 होल होगा तो अच्छा होगा। इसका नेचर भी दादा मैंने सुना है जहाँ तक एकदम नेचुरल है, नेचुरल में वो देखिएगा, मेल बच्चा चुन चुन के मार देगा, मार देगा, तो यही बात है नेचर होता है, तो ये तो कुछ लगता है। तो दादा ये अगर थोड़ा चेंज कर देंगे तो शायद सही रहेगा, तो वो भागने का, हाँ 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 भागने का रास्ता, मेल जब अटैक करेगा दूसरा होल से वो बाहर निकल के भागने के लिए। जो छोटा छोटा बच्चा होता है ब्रीडिंग के बाद सबको अलग करके दादा यहाँ ही रखते हैं। इतना दिन से तो बर्ड का शौक है, बहुत सारा टाइप का बर्ड देखा, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ दादा। इसका लियोनेटेड पैराकीट, ओ लियोनेटेड पैराकीट, लियोनेटेड पैराकीट, दुनिया में कितने तरीके का एग्जॉटिक बर्ड है उसका तो ब्रीडिंग होगा, लाइक लवबर्ड, ओ लाइक लवबर्ड बॉक्स के लिए परफेक्ट बॉक्स। अच्छा लवबर्ड का थोड़ा बड़ा होने से ठीक रहेगा, अच्छा तो लवबर्ड से थोड़ा बड़ा होगा तो सही होगा, लियोनेटेड पैराकीट, और बहुत खूबसूरत है दादा। इसका नाम क्या है? हुडेड पैरट दादा, हुडेड, हुडेड पैरट। अच्छा मेल फीमेल होता है, फीमेल है, मेल का कलर और बहुत बढ़िया होता है, और यहाँ तो एक
कोकाटल रखे हैं और इस साइड में जो है यहाँ तो लॉरी है दादा, बहुत खूबसूरत कलर। हाँ, थानकोनियर का पेयर और ये तो सारे ब्रीडिंग पेयर है, और यहाँ भी एक पेयर थानकोनियर बहुत अच्छा बढ़िया कलर का, उसका नीचे भी थानकोनियर है। और दादा ने तो केज बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया, मतलब ऐसे ट्रे सिस्टम है इसको, हाँ ऊपर का जो सारा वेस्टेज गिरेगा नीचे वो ये आसानी से साफ कर सकते हैं। और यहाँ फिर से एक पेयर रेड लॉरी किट, बहुत खूबसूरत, और नीचे स्वयंसन लॉरी, बहुत बढ़िया। और यहाँ ऊपर एक पेयर जंडिया कॉनियर और नीचे एक पेयर सन कॉनियर, और यहाँ भी एक लॉरी किट का पेयर है, बहुत बढ़िया। ऊपर सनकोनियर का और एक पेयर, इस साइड और एक पेयर सनकोनियर, मतलब उसका एज शायद थोड़ा कम है पीछे का जो है, हाँ हाँ एज थोड़ा कम है। और नीचे भी एक पेयर सनकोनियर है, और यहाँ तो बहुत खूबसूरत है कोकोनट लॉरी, ये थोड़ा रेयर है, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आप लोगों ने शायद देखे होंगे लेकिन मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कोकोनट लॉरी, बहुत खूबसूरत। और ऊपर एक पेयर लॉरी दादा, इसका नाम भी हमको नहीं पता, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट्स करके बता दीजिएगा, राइट साइड में जो है ठीक है। और ये पेयर ने मतलब वो ग्रीन कलर का जो है वो एक मेल है और लेफ्ट साइड में फीमेल है, और इन दोनों ने जोड़ी बना के अंडा भी ले किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फर्टाइल नहीं थे। और यहाँ कुछ लव बर्ड्स है, लुटिनो लव बर्ड, और ऊपर और एक पेयर रेड फैक्टर सनकोनियर, जबरदस्त बहुत बढ़िया कलर। इसके बाद हम लोग बड़ा केज में जाएंगे, और यहाँ तो दादा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये सारे बर्ड्स को देख के हमको, पहले उस साइड से हम आते हैं और अभी हम लोग आगे हैं गाला कॉकाटू का केज में, बहुत खूबसूरत, और ये तो बहुत अच्छा रैपिडली टॉकिंग करते हैं दादा। मेरे पास एक पेयर है और वो बहुत अच्छा टॉकिंग भी करते हैं, वो मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए सब आ रहा है दादा। हम लोग यहाँ खड़े हैं और सारे गाला कॉकाटू वहाँ से उड़ के यहाँ तक आया, बहुत बढ़िया। अगर हमको वक्त मिलेगा ऐसे सिचुएशन में रहेगा तो इन लोगों को मैं टेम बना लूँगा दादा, मतलब धीरे धीरे तो टाइम लगेगा, मतलब हाथ से खाना लेके धीरे धीरे खिलाते खिलाते ना, हाथ तो लगाने नहीं देगा शायद, लेकिन सर पे आप थोड़ा नहीं देगा, हाँ पकड़ने नहीं देगा लेकिन आप हाथ लगा सकते हैं। देखता हूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यहाँ सबसे अच्छा जो लग रहा है हमें, मैं क्या कहूँ कि दादा जी जैसे प्लान करके बनाया, मतलब जो प्लानिंग किया इन लोगों को, इतना अच्छा जगह दिया, क्या कहूँ। और यहाँ देखिए इन लोगों का बॉक्स, यहाँ दो पेयर है, वहाँ तीन बैठा है और यहाँ एक, अगला साल में आपको जरूर ब्रीड मिलेगा। और दादा इसका बॉक्स का हाइट कितना होगा दादा? 18 इंच बाई 18 इंच। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। चलिए अभी जाएंगे दूसरी केज में, ब्लू गोल्ड मकाओ का केज में हम लोग जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो इस बार हम लोग देख रहे हैं फिर से एक पेयर रेड ग्रीन मकाओ, ये तो बच्चा है, बच्चा है, मतलब कितने साल का होगा अभी? दो साल का होगा, बढ़िया। और अभी हम लोग आ रहे हैं ग्रीन विंग मैकाओ का केज में, और इस फीमेल को देख के हमको ये लग रहा है कि ये भी अडल्ट है दादा। ये क्या एक ही है आपके पास? अच्छा, मेल अभी तक दादा को नहीं मिला। अगर किसी के पास रेड ग्रीन का अच्छा मेल हो और सेल करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा। और ये सारे जो लकड़ी दादा लगाया है, सब नीम का लकड़ी है। हाँ सारे नीम, हाँ नीम का लकड़ी तो सबसे बेस्ट है। और ऐसे करके GI पत्ती दे के नेट के साथ फिक्स कर दिया ना, हाँ बहुत इजीली, मतलब मैकाओ तो काटता रहता है कुछ, मतलब एक साल में एक बार करके शायद चेंज करना पड़ता है, हाँ इतना मोटा मोटा देंगे तो वो भी काट देगा, तो इसलिए ये जो चेंज करने का दादा तरीका बनाया, इजीली हम चेंज करते हैं।
ऐसे दे के रख देता है, ग्रीड देते हैं ना। हाँ, ये हम लोग फार्म है। हाँ, इसके लिए उसका कैल्शियम के लिए सेल ग्रीड लगता है दादा। और एक चीज़, छोटा सा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मतलब मेरा आपका भी बहुत एक्सपीरियंस है, फिर भी मेरा जो है मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो पैरट टाइप का बार्ड्स होता है, वो लोग जो सीड्स हम लोग देते हैं, फ्रूट फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वहाँ से टॉक्सिन्स जाते हैं शरीर के अंदर, वो टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं लोग। इसके लिए ना क्ले चाहिए, देना पड़ता है, मेरा जहाँ तक जानकारी, मिट्टी राइट। जो आपको जो कैल्शियम और जो जैसे पुराना वाला घर होता है, सुर्खी जो मिलता है उसका साथ जो कॉम्बिनेशन है सब हर चीज में लगता है, वही ये चीज है, वो पतली है। एक्चुअली मुर्गी फार्म में, पोल्ट्री फार्म में जीन लेइंग करने के लिए लगता है, इसके लिए दाना का साथ देना मिलाना पड़ता है। वही कैल्शियम है, वही मिनरल्स है, वही जीन मिनरल्स है, वो पतली है। अच्छा, बोलता है और एक चीज, मतलब ये वीडियो शायद यहाँ थोड़ी देर बाद हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन इसका आगे भी एक पार्ट बनेगा दादा का। एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म भी है, वो भी दिखाएंगे, लेकिन और भी बहुत सारा केजेस है बर्ड्स का। और थोड़ा रुक जाइए, चलिए बाहर, वहाँ भी थोड़ा सा और क्या क्या है दिखा देते हैं। यहाँ भी एक पेयर सनकोनी और सब रेड फैक्टर का है, और यहाँ ग्रीन चिप, हाँ ग्रीन चिप कॉर्नी, और नीचे भी कॉर्नी, और हाँ इसका एक पाइन एपल कॉर्नी, और नीचे यहाँ भी एक पेयर जैंडिया कॉर्नी है, हॉलैंड बजी। अच्छा, का जो हंडी देगा, हाँ उस टाइम सेट कर देगा। हॉलैंड बजी बाजार में ढूंढने जाता है, बस 15,000 रुपया जोड़ा कर। हाँ दो दो, ऐसा नहीं, ठीक है हमारे पास है, हम जोड़ा करके निकल देगा। अच्छा, उसे निकल कर जमा कर। अच्छा, और एक छोटा सा चीज, ये सब दादा मतलब सारे एम्प्लॉयज़ है यहाँ का, इन सब का देखभाल करने के लिए। और दादा आप लोग सभी बहुत खुशनसीब है, यहाँ सारे बार्ड्स के साथ आप लोगों को रहने का मौका मिल जाए। हमारे यहाँ के लिए एक दोस्त आ गया। नमस्कार, पुराना दोस्त है। अच्छा, इंडिया में बहुत आदमी जानता है, उन्होंने खुद भी पहचान करेगा। मेरा डॉग ट्रेनर का हैबिट, डॉग ट्रेनर है, मतलब एक नंबर ट्रेनर है, मतलब इंडिया का अंदर। वासुदेव आचार्य, हाँ वासुदेव आचार्य सर, इनसे भी मुलाकात हो गया, डॉग ट्रेनर है। हम लोग मिलके खड़गपुर में तो कैनल क्लब बनाया था, पहले इन्हें टाटा बियरिंग डॉग कट में काम करता था। अच्छा अच्छा, बताइए। दिल्ली सब जगह मेरा स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा, हर जगह में, बॉम्बे में 97 में स्टूडेंट था। अच्छा, प्रशांत कोपीकर। अच्छा, उसके बाद दिल्ली में मेरा स्टूडेंट है, पंजाब में, चंडीगढ़ में है। अच्छा अच्छा, नितिन वैद, मतलब कितना सालों से? मैं कम से कम 45 ईयर्स का हूँ। तो करीब करीब आपने कितना सारा डॉग्स को अप्रोक्सीमेटली ट्रेन किया है? मैं इंडिया चैंपियन 17 बार हुआ, 17 टाइम्स इंडिया चैंपियन। ग्रेट, हम सभी बहुत खुशनसीब है कि ऐसे इंसान के साथ हम लोगों का मुलाकात हो गया है। थैंक यू सो मच। अच्छा दिन में इन्होंने हमको बहुत हेल्प किया, ये बंदा ने बहुत हेल्प किया। अच्छा, और इन्होंने इंटरेस्टेड भी था, एक टाइम में हम लोग ट्रैकिंग करते थे। अच्छा, डॉग इनका डॉग लेके। अच्छा ग्रेट, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी का है कि इतना अच्छे अच्छे लोगों के साथ हम मिल पा रहे हैं आज। अभी क्या क्या ब्रीड है थोड़ा बहुत? मेरे पास बेल्जियम मैलिनस है, जो लाडेन को पकड़ने गया था अमेरिकन सोल्जर, वो ब्रीड है 300। ग्रेट, वर्ल्ड ट्रेंड है वो, बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या करता है, अगर आप डॉग दीजिएगा तो उनको ट्रेनिंग करके एकदम, मतलब सर्चिंग ट्रेनिंग, गार्ड पर्पज, सिक्योरिटी पर्पज, गार्ड ट्रेनिंग करके दे देगा। मतलब कोई भी अगर चाहे तो डॉग ना घर में रखेंगे, उनको बोलेंगे, बुलाएंगे, तो उन्होंने पहले जाके दिखा देगा, उसके बाद कितना असिस्टेंट जाएगा, असिस्टेंट को उससे ट्रेनिंग कर देगा। जैसे आप कहीं से भी कुछ छुपा के रखिए, अच्छा उसको बोलिए निकाल के लेके आने के लिए, वो निकाल के लेके आएगा। अच्छा, अगर कोई चाहेगा कि वो एक अच्छा ब्रीड का डॉग परचेज करके आपको ट्रेन के लिए दे, या आपको बुलाएंगे वहाँ जाने के लिए, ट्रेनिंग कराने के लिए, तो क्या आप जाएंगे? मैं करता हूँ। अगर कोई कंपनी, मतलब फैक्ट्री वाला लोग डॉग स्क्वाड बनाना चाहता है, तो इनका साथ कॉन्टैक्ट करने से कोई चिंता नहीं। ऑल इंडिया सुपर पास है, सुपर ग्रेट, वेरी गुड। दादा प्लीज़ आपका नंबर एक बार शेयर कर दीजिए। 9434 1463 6368 और एक है 9046 9046 96 96 56 56 27 27।
वासुदेव आचार्य, वासुदेव आचार्य सर, मतलब अगर किसी को डॉग परचेज करना हो या उसको ट्रेनिंग में देने हो आप इनके पास भी भेज सकते हैं, और अगर आप सर को बुलाएंगे तो वहाँ आपका वहाँ जाके भी मतलब ट्रेनिंग करा के आएगा। कोई भी इंडिया में जितना मैंने रिकॉग्नाइज जो डॉग स्क्वाड है या कैनल है, अच्छा, सारे बंदा हमको जानता है। थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं, और हम बहुत ही खुशनसीब है सर कि आपसे ये इस बात एक बात के लिए वीडियो करता है, हमने भी कुछ शौक से रखा है, वीडियो अच्छा कराता है, भाई का ऑफिस है उसको फिर बोला ठीक है तुम्हारा ये भी अच्छा खुद आओ। देखो हम तो ऐसे देता नहीं किसी घूमने देता नहीं, कहने का क्या उनका जान सो जाता है, तो पहले से ही सिस्टम है। और मैं तो इसी का ही भूखा हूँ कि लोगों का प्यार मिले, जैसे दादा का प्यार मिल जाए, और आप सभी को बहुत प्यार करते हैं, लोगों का जो प्यार मिल जाए ना, इतना दादा ने बुलाया, इतना दूर से आया, और मतलब क्या कहूँ, और आप जैसे लोग से अगर पा रहा हूँ यहाँ पर आके जाओ तो हमारा पास जो नेचुरल में है हाँ लेके जाएगा वीडियो करेगा, मतलब और भी इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है नेचर में। ये तो कैप्टिविटी में दादा ने रखे है, और नेचर में भी दादा ने सेटअप करके रखे है, मतलब वहाँ नेचुरल जो बर्ड्स है वो बहुत बड़ी जगह है, कोई केज वगैरह नहीं है, ऐसे ही ओपन है, लेकिन वहाँ प्यार से सब बर्ड्स आते हैं रहते हैं। और वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, और अभी तो बहुत सारा बार्ड देखना बाकी है, तो इसके लिए पार्ट टू बनेगा। अभी ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दादा एक बार बोल दीजिए कि लाइक करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इंटरेस्ट बढ़े, हाँ, और अपने इंटरेस्ट बढ़े और आइडिया भी बढ़े। थैंक यू सो मच, और अपने जो सारा फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन भी देखिए आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो इस एंटायर वीडियो का ये पार्ट यही खत्म होता है, फिर मिलेंगे दूसरा पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।